बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो उजूर के दर्जात बुलंद हो। दूसरा सवाल ये कि मेरी जितनी इलम है इसके मुताबिक मेरा ये सवाल है, हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें। सवाल ये है कि इस्लाम में आलिम, आलिम दीन और मुफ्ती में क्या फर्क है? जो का सवाल का जवाब मुझे पता है कि बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, शुक्रिया आपके तजस्सुस का। हाजिर से पूछते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह अकबर माशाल्लाह। हमारे बशीर भाई जो है वो हमेशा जो है खानकाह में तशरीफ लाते हैं और माशाल्लाह बड़े बाज़ौक शख्स हैं और अच्छे सवालात करते हैं। आज भी उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि उन्होंने कहा कि आलिम दीन और मुफ्ती में क्या फ़र्क है। तो आलिम दीन और मुफ्ती में फ़र्क यह है कि हर मुफ्ती आलिम होता है, हर आलिम मुफ्ती नहीं होता। हर मुफ्ती आलिम होता, हर आलिम मुफ्ती नहीं होता, बस ये समझें। बिल्कुल जैसे कि हर सर्जन डॉक्टर होता है, हर डॉक्टर सर्जन नहीं होता, ये मतलब है। क्योंकि मुफ्ती का रैंक ऊंचा है, लिहाजा मुफ्ती जो है वो आलिम बनता है, उसके बाद फिर मुफ्ती के लिए अलग स्पेशलाइजेशन होती है, वो उसके अंदर जो वो उसको हासिल करके मुफ्ती का टाइटल उसको मिल जाता है। लेकिन आलिम दीन जो है वो आलिम का कोर्स दरस निज़ामी का 10 साल का 8 साल का पूरा करता है, उसको आलिम की सनद मिल जाती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे एक डॉक्टर बनता है, MBBS हमारे मुल्कों में करता है, तो MBBS नीरा कर लिया तो डॉक्टर बन गया। अब हाउस जॉब जब करेगा, अब जाहिर है कि उसका लेवल अब वो आगे पुख्ता हो गया, फिर आगे स्पेशलाइजेशन करेगा मज़ीद। अगर सर्जन बना किसी ख़ास फील्ड के अंदर तो उसका स्पेशलिस्ट हो गया। तो कहा कि ये तो मुफ्ती जो है उसके ऊपर का रैंक है। तो बस ये समझे कि हर मुफ्ती आलिम होता है, हर आलिम मुफ्ती नहीं होता। बहुत शुक्रिया।